सो मैंने यूएसबी को कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप के साथ, और अब मैं अपने लैपटॉप के अंदर OBS ओपन करूंगा। लैपटॉप में मैंने अपना OBS ओपन कर लिया है, मैं न्यू सीस ओके ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ऐड में जाना है, ऐड में जाने के बाद यहाँ पे मुझे हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, मैं आपका दोस्त कपिल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RGB लिंक, एक मिनी फीचर जिसके अंदर आप चार इनपुट ले सकते हो HDMI की और एक आउटपुट ले सकते हो और इसको आप मिक्स कर सकते हो बिल्कुल इजीली। सो लेट्स प्ले। अब हम आज आपको सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, इसमें क्या कुछ मिलता है अपने को देखने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखने को जो मिल रहा है चीज, तो ये हमारा एक मिक्सर ही है जो देखने में बहुत ही सुंदर है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है देखने में, ठीक है। देखा जाए तो है तो छोटा सा ही, और आप देख सकते हो कितना अच्छा है, सुंदर है। इसके अंदर बेसिकली चार इनपुट आप ले सकते हो HDMI के थ्रू, और इसके अंदर आपको इस तरफ चार पोर्ट मिलेंगे, लैन का, USB का, ऑडियो इन और ऑडियो आउट का, जिसके अंदर आप ऑडियो को कैसे भी इन आउट कर सकते हो। और यहाँ पे एक जैक और है जिसकी इंट्रोडक्शन दे नहीं रखी, जैक है या स्टैंड है ये देखना पड़ेगा कि क्या है ये। और पीछे की तरफ देखें तो पीछे आपको चार पॉइंट मिलेंगे HDMI 1 से लेकर 4 तक, और एक आपको सिंगल आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। आउटपुट आप दो तरीके से ले सकते हो, अगर आप चाहो तो लैन के थ्रू ले सकते हो, चाहो तो आप USB से ले सकते हो, चाहे तो आप HDMI से डायरेक्ट आउटपुट ले सकते हो। सो इसका चार्जर भी इन्होंने यूनिक सा दिया है, देखते हैं चार्जर में क्या है, ठीक है। तो चार्जर भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, चार्जर भी बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल अच्छे है, मतलब एक है तो केबल वैसे ही, मगर आप देख सकते हो कि ये फ्लेक्सीबल है, मतलब आप इसको कर सकते हो इसके अंदर डाल के, देखते हैं। और इसमें क्या है, एक छोटी सी केबल है जो कि आपको USB to USB कनेक्टर है, देखते हैं। और इसके अंदर एक ये आपको चाइनीज प्लग मिल जाएगा, देखने के लिए आप देखो तो चाइनीज प्लग है। और इसके अलावा यहाँ क्या है, एक मैनुअल गाइड है, मैनुअल गाइड इसके अंदर सब कुछ है, कैसे कनेक्ट करना है कैसे नहीं, है ना, तो ये सब कुछ है। सो अपने इसको कनेक्ट करते हैं, सो पहले कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले बाकी तारों को ओपन करते हैं। इसके अलावा HDMI वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके अंदर ओनली इतनी तारें आए ना, आपको लैन का कुछ मिलेगा, लैन मिलेगी, तार भी बहुत छोटी दी है इन्होंने जो USB वाली है। ये अभी अपने प्लग इन कर देते हैं, इसको मैंने प्लग इन किया, चालू कर दिए प्लग को, और ये मैं इसको ठीक है, ये मैंने इसको फिक्स कर दिया है ओके। सो अब लाइट को ऑन करते हैं, लाइट तो लगाई नहीं हमने, सो मैं हम प्लग लगाते हैं, ऑन करते हैं ओके। दोस्तों आप देख सकते हो इस पर कुछ छोटा सा लिखा हुआ है, मिनी RGB मिनी, तो आप देख सकते हो कि चार इनपुट आए हैं, ग्रीन लाइट जग रही है, इसका मतलब कि सेकंड इनपुट के लिए रेडी है। इस टाइम जो चल रही है वीडियो वो रेड में है,
इसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये 1 से 2 में चला गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर इसकी सेटिंग खोलनी है, मेन्यू में जाएंगे अपने मेन्यू को अगर वॉल्यूम डाउन करोगे तो इसके अलावा बहुत कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। आईपी, हाँ आईपी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 192.168.0.99 पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप लैन के थ्रू उसको कनेक्ट से तो उसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको कैसा मतलब व्यू चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाला व्यू ओके कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाला व्यू ले लिया मैंने, है ना, तो मैंने सेट कर दिया। ये टास्क बार नॉट फिनिश कुछ रह गया, सेटिंग में जाते हैं, शायद फेड का ऑप्शन देखते हैं कि क्या कुछ है इसे। हाँ, ये इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं कि अपने को नेक्स्ट में कैसे करना है, मतलब नेक्स्ट विंडो में फेड 1 2 कैसे जाना है, ये मेरे को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये भी देखते हैं, सबसे पहले इसमें इनपुट दे के देखते हैं कि इनपुट से क्या रिस्पॉन्स आता है। सो मैंने यहाँ पे एक HDMI इनपुट दे दी है, तो ये भी एक्चुअली मैंने अपनी मैक मिनी का ही दिया है इसके अंदर इनपुट। तो आप ये मान सकते हो कि आप 4 कैमरे लगाए हैं आपने, डिफरेंट ओके। तो आपने 4 कैमरे लगाए, अब इसकी आउटपुट आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पकड़ सकते हो HDMI पोर्ट से। अदरवाइज अगर आपको इसको OBS में कहीं पे भी आपको पकड़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में OBS आपके होना चाहिए, लैपटॉप में जहाँ पे भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको लाइव करना चाहते हो। तो जो USB टू USB कन्वर्टर है, जो वायर के थ्रू आप इसको डायरेक्टली ही करेंगे कनेक्ट, लैन के थ्रू भी कर सकते हैं, मगर लैन के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं आपको विजिबल होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली ही आप देख सकते हो। सो मैंने USB को कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप के साथ, और अब मैं अपने लैपटॉप के अंदर OBS ओपन करूँगा। लैपटॉप में मैंने अपना OBS ओपन कर लिया है। ठीक है, 2 से 3 सेकंड लगाएगा OBS ओपन होने में। ठीक है, देख सकते हो आप, ये सबसे पहले मैं एक न्यू फ्रेम लेता हूँ, ऐड किया मैंने यहाँ पे, मैं न्यू सी ओके। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ऐड में जाना है। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे मुझे कौन से एक्टिवेट क्लिक करना है, यहाँ पे जाके मुझे करना पड़ेगा वीडियो कैप्चर डिवाइसेस। ठीक है, वीडियो कैप्चर में जाऊँगा, ओके करूँगा, और उसके बाद ये बेसिकली ये मेरा मोबाइल का लैपटॉप का कैमरा ओपन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी ये विजिबल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है, ये इसी स्क्रीन पे ये मैंने फ्रेम बना रखे हैं अलग अलग। ठीक है, तो कौन से फ्रेम में ये गलत हुआ, कहाँ है ये, ठीक है, तो ये क्या है, तो आपको ऐड ऑन करके सीधा दिखा देते हैं। यहाँ गए वीडियो कैप्चर डिवाइस 1 को ओके करके, ठीक है, ये मेरी वीडियो कैप्चर डिवाइस आ चुकी है। हाँ, ये देखो, ये मैंने फेड किया था ना, देखो मैंने जैसे ही आप देखोगे, ये देखो कैसे हो रहा है, देखो आप, है ना, ये कैसे हुआ, ये देखो मैंने जैसे इसको किया, देख सकते हो कि मैं एक साथ आपको दोनों पे करके दिखाऊंगा, ऐसे दिखाता हूँ, स्मूथली अच्छे से चल रहा है। और भी इसमें ऑप्शन थे वो अच्छे से देखने पड़ेंगे। देखो इसके अंदर ये ऑप्शन है, इसके अलावा ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो कैसे होगा, तो ये देखो अभी जैसे इसको करने के बाद आपको ये सेट कर देना है। ठीक है, ये सेट हो जाएगा, सेट नहीं हुआ सॉरी, आपको बेसिकली यहाँ करके ऐसे करके इसको सेट करना है, दैट्स इट, ओके यस। ये देखिए आपको ये एक ये एंटर बटन की तरह काम करता है, इसको आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ठीक है, ओके, तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर मेरी एक मिनी स्क्रीन भी मुझको दिख रही है। तो मिनी स्क्रीन का ही ऑप्शन मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको भी अपने हटा देते हैं कि भाई
मुझे ऑफ करनी है मेरी स्क्रीन, जो कि ये आपको यहाँ पे दिख रही है एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। ये मैंने जैसे ओके किया, इस पर मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। ऑफ करने के बाद जैसे मैं इसको फिल्टराइज करूँगा और दोबारा देखूँगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ देखते हैं। ओके, सो ओके, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से आप मल्टीपल इनपुट ले सकते हो। ये तो एक तरीका हुआ कि आप OBS के थ्रू कैसे लाइव जा सकते हो। OBS से लाइव जाने के लिए मैं एक नेक्स्ट स्टूडियो में आपको बता दूंगा। सो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप सीधा कैसे लाइव जाए उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त ऐसी वीडियो लाता रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं इस वीडियो को। थैंक यू, बाय।